भले ही सूबे की योगी सरकार ने अफसरों को प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के सख्त निर्देश दिए हैं, लेकिन प्रदेश सरकार के सड़कों को गड्ढा मुक्त वाले ऐलान पर अब जनता सवाल उठाने लगी है। जी हां, कुंभ नगरी प्रयागराज की कई सड़कें अभी भी बदहाल पड़ी हैं, जिसको लेकर हमारे संवाददाता ने कई इलाकों की सड़कों का रियलिटी टेस्ट किया तो वहां की सड़कें बेहद खस्ता हालत में मिली। सड़कों पर कई गड्ढे देखे गए और स्थानीय लोगों ने जमकर प्रदेश सरकार की आलोचना भी की। लोगों का कहना है, सरकार कई बार गड्ढा मुक्त सड़क होने का ऐलान कर चुकी है, लेकिन स्थिति अभी भी जस के तस बनी हुई है। कई बार इसकी शिकायत की संबंधित अधिकारियों से लेकर नेताओं तक को की गई, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। बीजेपी विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी के घर से ठीक सामने की सड़क महीनों से खस्ता हाल है। विधायक जी अपनी कोठी का नवीनीकरण तो करवा चुके हैं, लेकिन घर के सामने की सड़क की सुध नहीं ली। हर चुनाव के दौरान लोगों को आश्वासन दिया जाता है कि जल्दी सड़क दुरुस्त कर ली जाएगी, लेकिन चुनाव जीतने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। नेताओं के वादे ठंडे बस्ते में चले गए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बार फिर से दावा किया है कि पूरे प्रदेश की सड़कें एक बार फिर से गड्ढा मुक्त होंगी। हालांकि इससे पहले भी वादा किया गया था, लेकिन पूरे प्रदेश में सड़कों की क्या हालत थी यह आपने देखा भी था। ऐसे में एक बार फिर से ये दावा किया जा रहा है। हम मौजूद हैं प्रयागराज के बराना इलाके में। सबसे पहले आप तस्वीर देखिए, ये वो इलाका है जो बेहद पॉश है। ये वो सड़क है जो सिविल लाइन से कुंभ खेत जाती है और आप देख सकते हैं कि कितनी गाड़ियाँ लगी हुई हैं और किस तरीके से गाड़ियाँ निकल रही हैं। जब भी माघ मेला या कुंभ मेला लगता है तो ये सड़क बनती तो जरूर है, लेकिन वो बनती है सिर्फ दो महीनों के लिए और उसके बाद हालत क्या रहती है वो आप देख सकते हैं कि सड़क गड्ढे में है या गड्ढे में सड़क है ये कहना मुश्किल होगा। और यही तस्वीर आपको पूरे शहर की नजर आएगी। हमने आपको कई जगह की तस्वीरें भी दिखाई हैं कि आप देख सकते हैं कि ये पौश इलाके की क्या तस्वीर है। हल्की सी बारिश में ही पूरी जो रोड है वो टूट जाती है और आवागमन भी आप देख रहे हैं कि कितना यहाँ पर धीमे चल रहा है। हम बगल की भी तस्वीर आपको दिखाना चाहते हैं कि देखिए कितनी खराब यहाँ की सड़क थी कि यहाँ की आम जनता ने यहाँ पर थोड़ा मलबा डाल करके इस सड़क को पाटा है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, ये बताइए, आप यहीं पर रहते हैं, कितने महीनों से ये ऐसी दिक्कतें और कितने हादसे होते हैं? ये कम से कम बारिश से पहले ही ये सब कुछ हुआ है। ये अक्सर हो जाता है जब भी रोड यहाँ बनती है। सामने दुकान है हमारे मोहल्ले की, हम बगल में रहते हैं और यहाँ का ये सब टूट भी जाता है और ये लोग ये मिल के सब डालते हैं यहाँ पर। यहाँ कोई आता भी नहीं है, मगर ये जब बारिश हो जाती है तो लोगों को और दिक्कत हो, ऐसा लगता है कि यहाँ पे जैसे तालाब जैसा हो गया। अच्छा, और रोज ही कोई गिरता रहता है? हाँ, रोज कोई ना कोई गिरता रहता है, कुछ ना घटना होती रहती। और सबसे बड़ी चीज़ है ये पुल का तो आए दिन गिरता रहा, इसमें बस फंसती रहती है। जी बिल्कुल। तो आप जी आप बताइए कितनी दिक्कतें और शहर की पूरी स्थिति क्या है? शहर की पूरी स्थिति बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है सर। जैसा कि प्रयागराज में लगभग सभी रोडें एक जैसी सी हो गई हैं, हर जगह जैसे लगता है कि हम पहाड़ियों से गुजर रहे हैं। अगर गाड़ी से जाइए तो गाड़ी में हिचकोले खाते रहते हैं। ये हमारे प्रयागराज का दुर्भाग्य है क्योंकि उप मुख्यमंत्री भी यहाँ से आते हैं, दो कैबिनेट मंत्री भी यहाँ से आते हैं और इससे मेयर भी आपके यहीं की हैं, लेकिन पूरे प्रयागराज की रोडें इसी तरह उखड़ गई हैं, जो कि ये सिविल लाइन और कुंभ मेले को जोड़ता है, जो कि हजारों करोड़ का बजट हर माघ मेले में और कुंभ मेले में आता है, लेकिन ये रोड की दुर्दशा ये रोड की दुर्दशा जस की तस बनी रहती है। ये समस्या हमेशा की तरह आज भी दिख रही है और हमेशा रहेगी। जो कि आप मानते हैं कि अभी ये दावा फिर से किया रहा है गड्ढा मुक्त होगी, तो गड्ढा मुक्त होगी सड़कें? नहीं, गड्ढा मुक्त दो चार दिन के लिए हो जाएंगे, जब तक इस पर कोई वीआईपी गुजरने वाला होगा जरूर हो जाएगी। कोई वीआईपी अगर इस रोड से गुजरेगा तो उस दिन के लिए गड्ढा मुक्त सड़कें जरूर हो जाएंगे, लेकिन आम जनता के लिए गड्ढा मुक्त कभी नहीं रहेंगे। आप बताइए कि कितनी जो सड़कें हैं कितनी बता रहे प्रयागराज? सर तो देख रहे हैं आप इसमें क्या हालत हो गई है चौराहे की। अभी मान लीजिए तत्काल में तो कुछ नहीं हो सकता, इस पर अगर कोई वी आई पी आदमी यहाँ गुजरता है तो ये रातों रात मेंटेन हो जाएगी, ये व्यवस्था है हमारे यहाँ की। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, हालांकि प्रयागराज तीन मंत्रियों का शहर है और जिसमें कि एक उप मुख्यमंत्री है और दो कैबिनेट मंत्री हैं, और उसके बावजूद भी क्या स्थिति है। हमने यहाँ के विधायक के सामने की भी तस्वीर आपको दिखाई है कि घर के सामने क्या हालात हैं, और हमने आपको यहाँ की भी तस्वीरें दिखाई हैं, साथ ही साथ हमने शहर के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों की तस्वीरें दिखाई हैं। तो आप ये मान सकते हैं और देख भी सकते हैं कि प्रयागराज की गड्ढा मुक्त सड़कों की क्या हकीकत है, और लोगों का दावा है कि ये गड्ढा मुक्त जल्द नहीं होगा। वेणु जल्द संगीत उपाध्याय के साथ सैयद अखरवाल, पंजाब के सी टीवी प्रयागराज।